पे। एडीयू की टीम आज बलरामपुर में है और आज जितने भी सभासद प्रत्याशी हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभासदों के। ऐसे में हमारे साथ नफीस रायनी जी हैं जो कि वार्ड नंबर 25 पुरानी बाजार से सभासद प्रत्याशी हैं बीएसपी से। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे क्या कुछ इनकी नीतियां और क्या कुछ मुद्दे हैं इनके, क्या कुछ मुद्दे लेकर के ये सभासद प्रत्याशी के लिए उतरे हुए हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। नफीस जी, ए न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा नाम मोहम्मद नफीस रायनी, मैं वार्ड नंबर 25 बसपा प्रत्याशी हूँ और जो है मैं वार्ड में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहा हूँ। और हमारे एरिया का स्थिति बहुत ख़राब है, नाली हुआ, रोड हुआ, इसी को मुद्दा मैं लेकर उतरा हूँ। परिवार वार्ड का मैं मेंबर अगर चुना गया तो मैं जितना अपने वार्ड का जितना रोड जितना समस्या नाली की समस्याएं ये बहुत जल्द मैं दूर करवा दूंगा। डोर टू डोर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता का क्या कुछ रिस्पांस मिला? और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बलरामपुर की स्थिति बहुत बेकार है, तो इससे पहले जो अभी मौजूदा जो चेयरमैन थे पिछले इसमें, ये कहीं ना कहीं बीएसपी के ही थे, बीएसपी के होने के बाद उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करवाया है? विकास कार्य करवाया, लेकिन मेरे एरिया का डिपोआ रोड जो है बिल्कुल बिल्कुल जो डिपोआ शमशान रोड है बिल्कुल कचड़ा रोड है, और बारिश में तो चार कदम चल नहीं सकते। विकास हुआ कि नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन विकास नहीं हुआ है उधर। और मैं पहला विकास जो है अपने डिपोआ रोड का, डिपोआ जो है रोड, वो रोड का मैं विकास करवाऊंगा जो अपने एरिया का है। हमारे वार्ड के लोग बहुत मान सम्मान भी दे रहे हैं, हमारे वार्ड के हमारे एरिया के हैं, जो कि मैं वार्ड में हो या अदर हो हमारे लायक जो भी पड़ता है मैं एडवांस हाजिर रहता हूँ, खाली फ़ोन आ जाए बस किसका। मैं उतना मुद्दा क्या रहेगा आपका, और अगर आपके क्षेत्र की जनता आपको सेवक के रूप में चुनती है तो आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे? विकास हुआ और जो विधवा पेंशन हुआ और आवास के लिए, ये सब चीज के लिए मैं। अच्छा, एक हम जिस तरीके से सर्वे कर रहे हैं एक चीज निकल कर आती है क्षेत्र की जनता की, एक समस्या है सीवर लाइन की और बलरामपुर में महिला सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, उसके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कहीं सभासदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या कि अपने वार्ड में अपने क्षेत्र के अंदर महिलाओं की जो सुरक्षा है, महिलाओं की जो सुविधाएं हैं उनको उनके तरीके से दिया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सभासद चेयरमैन के साथ साथ सभासदों की भी लापरवाही है कि नहीं है? जी लापरवाही है, बहुत बहुत लापरवाही है मैम। होना चाहिए महिलाओं का पहला सुरक्षा उनको देना चाहिए, महिलाओं का पहला अस्त्र उनको बनाना चाहिए कि जिससे उनका जो है सारी समस्या दूर हो सके। कॉलेज की लड़कियां जो आती हैं उनकी सुरक्षा हो सके, कॉलेज के समय लड़के लोग भी बहुत परेशान करते हैं लड़कियों की, उसकी भी समस्या दूर हो सके। बोल रही हूं आपको, महिला सुरक्षा अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के क्या कुछ करना चाहिए, सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? और आप लोग चूंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभासद प्रत्याशी हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या कुछ करना चाहिए आप लोगों को महिला सुरक्षा? जी मैम, बहुत कुछ करना चाहिए, उसके लिए सबको जागरूक होके और एक साथ होके महिला सुरक्षा के लिए सबको कदम उठाना चाहिए, जिससे जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लें हर एक चीज में और कदम उठाए, अच्छे अच्छा भारी से भारी कदम उठाए। बीएसपी की क्या कुछ तैयारियां चली है निकाय चुनाव को लेकर के, और 4 तारीख को जो चुनाव होना है उसको क्या कुछ लेकर के क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ आप करना चाहते हैं, विकास कार्य किस तरीके से आप विकास करें? मैम यहाँ विकास तो हुआ है, लेकिन जो है उसके बाद सीवर लाइन बिछाने टाइम में बाढ़ पीड़ित हुआ, जो बाढ़ आया उससे जो है रोड की समस्या की बहुत खराबी हो गई है। आने वाले समय में सरकार अगर बीएसपी की बनती है यहाँ तो बनेगी, इतना 5 साल तो बीएसपी ने राज किया है बलरामपुर में, तो 5 सालों में कितना काम करवाया है बीएसपी ने, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। जी मैम, करवा काम हुआ है लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, इसलिए प्रदेश में जो है बीजेपी सरकार है, जितना बजट आया उतने बजट में काम हुआ। बाकी के नेता जो हैं जिनसे हम मिलते हैं वो तो कहते हैं कि केंद्र में किसी की सरकार हो राज्य में किसी की सरकार हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जुगाड़ चाहिए होता है, इतना हमारे अंदर क्वालिटी है हम अपना करवा लेते हैं। तो आपके जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं उन्होंने क्यों नहीं करवाया, बीएसपी से जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं उन्होंने क्यों नहीं करवाया? जी हुआ है काम में, हुआ है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है लेकिन मिनिमम हुआ है काम, मैक्सिमम नहीं हो पाया लेकिन मिनिमम काम हुआ है। सीवर लाइन कुछ एरिया में बिछ गया है और आने वाले समय में जो सीवर लाइन बचा हुआ है वो भी बिछेगा।
यानी अगर वापस से क्षेत्र की जनता जो है आपको सेवक के रूप में चुनती है और बीएसपी के चेयरमैन प्रत्याशी अगर आते हैं तो बलरामपुर को एक आदर्श पालिका जो बनाने का जो अभी दिखाया जा रहा है कागजों पर वो एक्चुअल में बना दिया जाएगा मैम, आदर्श नगर पालिका बना दिया जाएगा। और अच्छी अच्छी जो गार्डन का है वो भी काम होगा, महिला सुरक्षा के लिए शौचालय का भी हम लोग प्रयास करेंगे कि बने। देखा आपने, आप थे हमारे साथ बीएसपी से नफीस रानी जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं बीएसपी की बलरामपुर में वार्ड नंबर 25 में, और महिला सुरक्षा जो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होता है उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं बीएसपी पार्टी की। ऐसे प्रत्याशी से आपको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए एनएस टुडे के साथ।